महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिर जाने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा ने 2013 में जब मुझे पीएम का उम्मीदवार बनाया था तो मैं रायगढ़ के किले में गया था, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की थी। मेरी वो प्रार्थना उसी भक्ति भाव से थी जैसे भक्त भगवान के आगे करता है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए और सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ राजपुरुष नहीं है बल्कि आराध्य देव हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज सर झुकाकर अपने आराध्य देव शिवाजी से माफी मांगता हूँ, उनके चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। हमारे संस्कार अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत वीर सावरकर को अपने अनाप शनाप गालियाँ देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में आने के बाद पहला काम छत्रपति शिवाजी के चरणों में सर झुकाकर माफी मांगने का कर रहा हूँ। उन्हें आराध्य देव मानने वाले लोगों के दिलों को जो चोट पहुंची है मैं उनसे भी सर झुकाकर माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग हैं। आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा में ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में माफी मांग चुके हैं। शिंदे ने तो बुधवार को कहा था कि मैं महाराज शिवाजी के चरणों में 100 बार सर झुकाने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा अजीत पवार ने कहा था कि हम महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के आगे सर झुकाते हैं। दरअसल आपको बता दें, सिंधु दुर्ग के किले में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी है उसका उद्घाटन खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही नौसेना के कार्यक्रम के दौरान किया था। इस घटना को लेकर एनडीए पर विपक्ष निशाना साध रहा है। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवाजी महाराज का ऐसा अपमान मुगलों ने भी नहीं किया था। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है।